हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी राजपूत एंड वेलकम टू बीएसपी साइंस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आज का ये वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी बी फार्मा के बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज कौन कौन सी है, किन किन सेक्टर में आप जाके जॉब कर सकते हैं। सो शुरू करते हैं। देखिए, आप बहुत सारे सेक्टर्स में आफ्टर बी फार्मेसी जॉब कर सकते हैं। जो स्टूडेंट ये सोचते हैं या ये बोलते हैं कि मैम बी फार्मा करने के बाद तो करियर ख़राब हो जाता है, मैम वो उसने मेरे चाचा ने मेरे फूफा ने मेरे इसने मेरे उसने बी फार्मा किया था और उसके बाद वो तो ऐसे ही घूम रहे हैं अभी तक, तो बेटा ये उनकी गलती है। बी फार्मा करने के बाद तो मल्टीपल करियर ऑप्शंस हैं आपके पास। अब इसमें आपकी गलती है कि आप अपने ऊपर काम नहीं करते, आप अच्छे से पढ़ते नहीं हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो स्ट्रीम है वो बेकार है, आपने जो करियर चूज़ किया है वो बेकार है, बिल्कुल नहीं है। गलती आपकी है कि आप उसमें सफल नहीं हो पा रहे हैं, चाहे फील्ड कोई भी हो, लेकिन गलती सिर्फ और सिर्फ आपकी ही रहती है कि आपको अच्छा स्कोप नहीं मिल पाया है या फिर आप अपना अच्छा फ्यूचर उसमें नहीं बना पाए हैं। देखिए, बी फार्म जॉब अपॉर्चुनिटीज में फ्यूचर एजुकेशन, गवर्नमेंट जॉब्स, इंडस्ट्रियल जॉब, एंटरप्रेन्योरशिप, एकेडमिक, ठीक है, ये सारी चीज़ें आती हैं। ध्यान से सुनो, सबसे पहले फ्यूचर एजुकेशन। आप फ्यूचर में कोई बड़ा, मतलब जैसे आपने बी फार्म किया, आप एम फार्म कर सकते हो, फिर पीएचडी कर सकते हो, तो यहाँ पे फ्यूचर एजुकेशन के साइड भी आप जा सकते हो। दूसरा आता है गवर्नमेंट जॉब, आप गवर्नमेंट जॉब्स में जा सकते हो, आप इंडस्ट्रियल जॉब में जा सकते हो, आप एंटरप्रेन्योरशिप में जा सकते हो, मतलब आप खुद का बिजनेस कर सकते हो, ठीक है जी। उसके बाद आप एकेडमिक्स में जा सकते हो, आप एज आ प्रोफेसर काम कर सकते हो, एज आ लेक्चरर काम कर सकते हो, एज आ आप वहाँ पे मतलब अगर आपने अच्छा खासा कर लिया तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव के रूप में भी काम कर सकते हो। तो बहुत सारे वहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, ठीक है जी। प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, बहुत सारे ऑप्शन आपके पास होते हैं, ठीक है जी। चलिए, अब देखो यहाँ पे फ्यूचर एजुकेशन में एम फार्म कर सकते हो, आप एमबीए कर सकते हो आफ्टर बी फार्मा। गवर्नमेंट जॉब में आप ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हो, रेलवे में एज अ फार्मासिस्ट काम कर सकते हो, ठीक है जी। आरआरबी मतलब रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, वहाँ पे आप एज अ फार्मासिस्ट काम कर सकते हो, आप हॉस्पिटल फार्मासिस्ट बन सकते हो। इंडस्ट्रियल जॉब में आप प्रोडक्शन में जा सकते हो, आप यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जा सकते हो, आप एमआरशिप कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। इंडस्ट्री में आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, लगभग आपको 20 से 25 सेक्टर मिलेंगे इंडस्ट्री के अंदर, जहाँ पे आप अलग अलग सेक्टर में जॉब कर सकते हैं, ठीक है जी। अगर आप देखो यहाँ पे प्रोडक्शन में क्यों है, क्यूसी में जा सकते हो, आरएनडी में आप एडीएल में जा सकते हो, एंटरप्रेन्योरशिप में आप मतलब आप रिटेल मेडिकल स्टोर डाल सकते हो, होलसेल मेडिकल स्टोर डाल सकते हो, खुद का आप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा सकते हो, ठीक है। ये सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं आफ्टर बी फार्मेसी। अब देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, मैं वही बोलूँगी, कंपटीशन बहुत हाई है, करियर स्कोप बहुत ज़्यादा है, बस ज़रूरत है कि आप अपने बेसिक्स क्लियर करें, आप इतना अच्छा पढ़ें कि आपके कंपटीशन में कोई दूसरा आ ही ना पाए। वरना आप जैसे बच्चे तो लाखों घूम रहे हैं ऐसे ही फार्मा की डिग्री लेके। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि फार्मा के बाद बेरोज़गार हैं, बहुत सारे बच्चे बेरोज़गार हैं, लेकिन वो जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ किया ही नहीं, जिन्हें पता ही नहीं था, बस वो ये सोचते रहे कि सिर्फ फार्मेसी की डिग्री आ जाएगी तो उससे मैं आसानी से पैसा कमा लूंगा, जो कि पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो आप लोगों को बीएसपी फार्मेसी ऑफिशियल ऐप पे जाना है, क्योंकि वहां पे हमारे टीचर्स डेली बेसिस पे आपको 4 से 5 घंटे लाइव क्लासेस के थ्रू गाइड करते हैं, आपका सिलेबस कंप्लीट करवाते हैं, साथ ही साथ आपको फ्यूचर के लिए भी गाइड किया जाता है। तो आप जाके एक बार विजिट कर सकते हैं हमारा ऐप। अगर आप किसी भी कोर्स में ज्वाइन करते हैं हमारी वेबसाइट के थ्रू, तो आपको वहां पे कूपन कोड अप्लाई करना है माधव, तो आपको हर एक कोर्स पे हैवी डिस्काउंट मिल जाएगा। कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी होती है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर से भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए जी, अब देखिए, एकेडमिक्स में आप लेक्चरर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर बन सकते हैं, आप वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में भी जा सकते हैं। तो काफ़ी सारे करियर स्कोप आपके पास होते हैं आफ्टर बी फार्मेसी। बस डिपेंड करता है कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो कैसा है, आपका इंटरेस्ट कहाँ है, किस फील्ड में है। अदरवाइज बहुत सारे करियर ऑप्शंस है, करियर ऑप्शंस की कमी नहीं है आफ्टर बी फार्मेसी। अगर आप लोग बी फार्म करना चाहते हैं, अभी आपको एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी है, तो हमारी ऐप पे हमने एंट्रेंस एग्जाम का कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया आप लोगों के लिए, बिकॉज हम चाहते हैं कि आप अपने जीवन में अगर कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, पहली सीढ़ी आप आसानी से
चढ़ लें, आपको कोई परेशानी ना हो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट बच्चे, जाओ ऐप को विजिट करो, कोई परेशानी कोई दिक्कत होती है तो आप दिए हुए नंबर से संपर्क भी कर सकते हैं। नंबर आप नोट कर लीजिए, मैं आपको बता देती हूँ, 7999 लिखिए नंबर, 7999 58903। ओके बेटा, चलिए, थैंक यू।